हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज इन्फो। आज हम बात करने वाले हैं ग्रुप और टीम मेंबर्स के बारे में, डिफरेंस के बारे में बताने जाएंगे कि हम ग्रुप और टीम में अंतर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ग्रुप की, तो यहाँ पे आपका जो फोकस होता है वो क्लियर होता है, और साथ में जो है ग्रुप जो मेंबर्स होते हैं आपस में बहुत यूनिटी होती है, और वो जो है आप वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि उनके में बहुत ही ज़्यादा यूनिटी अच्छी स्ट्रेंथ में होती है। जो कि टीम की अगर बात करें, तो यहाँ पे वो लीडरशिप रोल्स को शेयर करते हैं, यानी टीम में एक मेन हेड होता है जिसके अनुसार जो है पूरी टीम को वो गाइड करता है, और वो उसके अनुसार पूरी टीम चलती है, और यहाँ पे इंडिविजुअल एक बंदा जो होता है वो फैसला लेता है पूरी टीम का, जबकि ग्रुप में हर व्यक्ति जो है आपस में डिस्कस करके, क्लैरिफाई करके कोई भी डिसीजन को लेता है। अच्छा, ग्रुप में क्या होता है, इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी होती है, जबकि यहाँ पे टीम में क्या होता है, म्यूचुअल अकाउंटेबिलिटी होती है। अगर ग्रुप की बात करते हैं तो ग्रुप का पर्पस होता है, ग्रुप में जो सबका पर्पस होता है एक होता है वो ब्रॉडर के तौर पे, और यहाँ पे जो टीम का होता है वो स्पेसिफिक टीम का जो पर्पस होता है टीम को डिलीवर करने में, यानी कि यहाँ पे एक स्पेसिफिक रोल होता है जहाँ पे पूरी टीम को डिलीवर किया जाता है। ग्रुप जो होता है आपके ऑर्गेनाइजेशनल मिशन के लिए भी यूज़ किया जाता है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का जो मिशन होता है वहाँ के लिए भी यूज़ किया जाता है, जबकि टीम जो होता है आप जहाँ पे टीम वर्क होता है, टीम वर्क किसी कंपनी, किसी इंडस्ट्रीज या मतलब किसी स्पेसिफिक गोल के लिए उपयोग की जाती है। अगर हम बात करते हैं ग्रुप की, तो ग्रुप जो है इंडिविजुअल वर्क प्रोडक्ट भी कर सकता है, जबकि टीम होता है वो कलेक्टिव वर्क प्रोडक्ट करता है। देखिए, इंडिविजुअल वर्क प्रोडक्ट्स और कलेक्टिव वर्क प्रोडक्ट्स में अंतर क्या होता है, जो इंडिविजुअल ग्रुप वर्क प्रोडक्ट्स होता है वो किसी कंपनी के फॉर्म में नहीं होता है, वो क्या होता है, आपस में बनाया गया होता है प्रोडक्ट। टीम में क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग कंपनी का है उसी को जो है प्रोडक्ट को क्या करता है, कलेक्ट करके जो है उसी पे एग्जीक्यूशन होता है। ग्रुप में क्या होता है, इफ़िशेंट मीटिंग्स रन होती हैं, यानी कि जो मीटिंग्स होती हैं वो कम मात्रा में होती हैं, जबकि टीम में आपको टीम को एनकरेज भी करना पड़ता है, ओपन एंडेड डिस्कशंस भी करने पड़ते हैं, अगर जो मीटिंग्स में जो प्रॉब्लम होती है, जो एक्टिव प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करना भी होता है। तो ये डिफरेंस होता है ग्रुप और टीम में। फिर इसके बाद अगर परफॉर्मेंस की बात करते हैं, तो जो ग्रुप होता है वो इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस होता है दूसरों से, यानी कि एक दूसरे को देख करके जो है ग्रुप में इन्फ्लुएंस होते हैं हर पर्सन, जबकि टीम में क्या होता है वो आपके कलेक्टिव वर्क के प्रोडक्ट से इफेक्टिवनेस से वो मेज़र करने के बाद ही वो आपसे क्या होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं, यानी कि अगर कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है तो टीम भी उसी के अनुसार जो है अच्छा वर्क परफॉर्म करेगी। ग्रुप में क्या होता है, डिस्कशंस होते हैं, डिसाइड्स किया जाता है और डेडिकेट्स होते हैं, जबकि टीम में डिस्कशन टीम में भी होता है, डिसाइड्स टीम में भी होता है, लेकिन यहाँ पे टीम में एक साथ मिलकर के कार्य करते हैं, ठीक है, जहाँ पे ग्रुप में डेलीगेट्स के तौर पे काम किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ग्रुप और टीम में ये मेजर डिफरेंस होते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा।